साल 2001 में एसएस राजामौली की पहली मूवी आई स्टूडेंट नंबर वन। दोस्तों इस मूवी का बजट 1,80,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 7,50,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12,10,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब एसएस राजामौली की पहली मूवी सुपरहिट रही। साल 2003 में एसएस राजामौली की दूसरी मूवी आई सिम्हाद्री। दोस्तों इस मूवी का बजट 8,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 32,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 46,12,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब एसएस राजामौली की दूसरी मूवी ब्लॉकबस्टर रही। साल 2004 में राजामौली साहब की मूवी आई सै। दोस्तों इस मूवी का बजट 8,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 15,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20,00,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब राजा जी की ये मूवी हिट रही। 2005 में एसएस राजामौली जी की मूवी आई छत्रपति। दोस्तों इस मूवी का बजट 8,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 20,50,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23,85,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब राजामौली साहब की ये मूवी सुपरहिट रही। साल 2006 में एसएस राजामौली साहब की मूवी आई विक्रमा कुंडू। दोस्तों इस मूवी का बजट 11,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 25,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 33,00,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब एसएस राजामौली साहब की ये मूवी सुपरहिट रही। साल 2007 में एसएस राजामौली साहब की मूवी आई यमा डोगा। दोस्तों इस मूवी का बजट 17,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 30,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 37,00,00,000 रुपए कमाए। और भाई साहब एसएस राजामौली साहब की ये मूवी सुपरहिट रही। 2009 में एसएस राजामौली साहब की मूवी आई मगधीरा। दोस्तों इस मूवी का बजट 35,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 120,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 150,00,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। साल 2010 में एसएस राजामौली साहब की मूवी आई मर्यादा रमन्ना। दोस्तों इस मूवी का बजट 14,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 29,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 35,00,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब एसएस राजामौली साहब की ये मूवी सुपरहिट रही। साल 2012 में राजामौली साहब की मूवी आई ईगा। दोस्तों इस मूवी का बजट 26,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 125,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 138,00,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब राजामौली साहब की ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। साल 2015 में एसएस राजामौली साहब की मूवी आई बाहुबली द बिगिनिंग। दोस्तों इस मूवी का बजट 180,00,00,000 रुपया था। दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में इसकी कमाई 118,70,00,000 की हुई और तमिल तेलुगु लैंग्वेज में मिलाकर इसकी कमाई 430,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 650,00,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब राजामौली साहब की ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। साल 2017 में एसएस राजामौली साहब की मूवी आई बाहुबली 2 द कंक्लूजन। दोस्तों इस मूवी का बजट 185,00,00,000 रुपया था। हिंदी लैंग्वेज में इसकी कमाई 510,99,00,000 की हुई और सभी लैंग्वेज में इसकी कमाई 1,030,42,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,810,59,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब राजामौली साहब की ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। साल 2022 में एसएस राजामौली साहब की मूवी आई RRR। दोस्तों इस मूवी का बजट 600,00,00,000 रुपया था। ऑल ओवर इंडिया में इसकी कमाई 906,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,125,00,00,000 का कलेक्शन किया। और भाई साहब एसएस राजामौली साहब की ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों एसएस राजामौली साहब की आने वाली सबसे पहली मूवी एक अनटाइटल्ड फिल्म है जिसका मेन कैरेक्टर साउथ इंडियन के सुपरस्टार महेश बाबू प्ले कर रहे हैं, जो कि आप सभी को बहुत जल्दी सिनेमा घरों में दिखाई देगी। दोस्तों खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि एसएस राजामौली साहब की RRR भी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो पाएगी। इसके बाद एसएस राजामौली साहब की आने वाली मूवी का नाम है महाभारत। इस मूवी में आपको अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अजय देवगन, प्रभास, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, नीतू कपूर, परेश रावल से बात हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट लगभग 1,200,00,000 का होगा और ये मूवी आपको बहुत जल्दी थिएटर पर दिखाई देगी। दोस्तों इसके बाद एसएस राजामौली साहब की एक अनटाइटल्ड फिल्म है जिसकी लीड कास्ट में अल्लू अर्जुन दिखाई देंगे। दोस्तों इस मूवी के फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि एसएस राजामौली साहब की ये मूवी फुल एक्शन मूवी होने जा रही है। हो सकता है 2025 तक आपको ये मूवी थिएटर पर दिखाई जाए। इसके बाद एसएस राजामौली साहब की अपकमिंग मूवी बाहुबली 3 भी हो सकती है। दोस्तों इस मूवी में आपको प्रभास, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया भी दिखाई देंगे। दोस्तों इस मूवी पर अभी काम चल रहा है। दोस्तों एसएस राजामौली ने बताया है कि बाहुबली सीरीज एक ऐसी फिल्म है जो कि
बहुत बड़े मुकाम पर है और यह फिल्म एसएस राजामौली साहब को एक बहुत बड़े मुकाम पर लेकर आई है। यकीन मानिए इसका तीसरा पार्ट भी बहुत जल्द ही आप सभी को थिएटर पर दिखाई देगा और पिछली बाहुबली मूवी की तरह यह मूवी भी एक फुल एक्शन मूवी होगी। हो सकता है ये मूवी 26 हो सकता है ये मूवी 2026-27 में आप सभी को थिएटर पर दिखाई दे। इसके बाद एसएस राजामौली साहब की एक मूवी आमिर खान के साथ भी आने वाली है जो कि आप सभी को बहुत जल्दी सिनेमा घरों में दिखाई देगी। दोस्तों ये मूवी एक एक्शन मूवी हो सकती है। इस मूवी के बारे में आमिर खान से भी बात हो चुकी है। तो दोस्तों ये था एसएस राजामौली साहब का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह की इस चैनल पर वीडियो आती रहती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।